हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास सिक्स्थ, आज हम बात करेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स की। तो देखिए, रूट जो है मॉडिफिकेशन दिखाती हैं शेप को, साइज को, स्ट्रक्चर को लेके और फंक्शंस को लेकर के, क्योंकि जो अलग अलग कंडीशंस होती हैं उसके हिसाब से। ठीक, यहाँ आप तीन टाइप की रूट मॉडिफिकेशंस पढ़ोगे, स्टोरेज रूट्स, सपोर्टिंग रूट्स एंड द नेक्स्ट है नोडुलेटेड रूट्स। ओके, ये नोडुलेटेड रूट्स। तो सबसे पहले स्टोरेज रूट्स की बात करते हैं। तो देखिए, टैप रूट्स और प्लांट्स जैसे कैरेट है, टर्निप, पोटैटो, रेडिस है, ये स्वेलन और फ्लैसी होते हैं, इनके अंदर फूड होता है। ठीक है, और ये प्लांट यूज दिस फूड व्हेन रिक्वायर्ड, वी आल्सो ईट सम ऑफ दीज रूट्स। ओके, क्यों, जो रूट्स होती हैं इनमें जो प्लांट्स के लिए फूड होता है वो अपने हिसाब से यूज़ करती हैं, और इसको, इन रूट्स को हम भी खाते हैं। ओके, सपोर्टिंग रूट्स जैसे कि मेज़ होकर के हैं, टॉल प्लांट्स होते हैं, तो तुम्हें लगता है इनको कौन सपोर्ट करता है, इनको फाइबरस रूट्स, क्योंकि बहुत मजबूती के साथ इन्हें स्टोर करते हैं। ओके, इन दीज प्लांट्स रूट डेवलप फ्रॉम द लोअर नोड ऑफ द स्टेम, दे ग्रो डाउनवर्ड, हैव टू फिक्स द प्लांट फर्मली इन द सॉइल, सच रूट्स आर कॉल्ड स्टिल्ट्स रूट्स। यानी कि इन प्लांट्स को मजबूती जो प्रोवाइड कराते हैं लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम तक, यानी कि नीचे की तरफ बहुत मजबूती से मिट्टी में जकड़ जाती हैं, इनको हम स्टिल्ट्स रूट्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ रूट्स जैसे कि वेनियन ट्री में, इसकी हम बात हो रही है वेनियन ट्री में, और इंडियन रबर प्लांट्स में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, जो मिट्टी की तरफ चलती हैं, मिट्टी के टच होने के बाद पेनिट्रेट कर जाती है, मिट्टी के अंदर ही चली जाती हैं अच्छे से, और एक पिलर का काम करती हैं। दीज पिलर लाइक रूट्स को ना प्रॉप रूट्स कहते हैं, और इनका जो सपोर्ट होता है वो हैवी ब्रांचेस ऑफ ट्रीज के लिए, यानी कि हैवी ब्रांचेस ऑफ ट्रीज को भी ये सपोर्ट करती है। ठीक, नोडुलेटेड रूट्स क्या होती हैं, ये जैसे कि पी बीन, ग्राउंडनट, मूंग, उड़द एंड ग्राम्स, फ्यू एग्जांपल्स हैं जिनमें नोडुलेटेड रूट्स पाई जाती हैं, जैसे कि ये दिखाई गई इस तरह अलग तरीके। ठीक है, इन प्लांट्स को, इस टाइप के प्लांट्स को हम लेग्यूमिनस प्लांट्स भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ रूट्स। रूट्स के क्या फंक्शंस होते हैं, पहले हम बात कर सकेंगे मेन चीज़ सपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन। ये रूट जो होती हैं मिट्टी में पेड़ों को मजबूती के साथ होल्ड करती हैं। ठीक है, और ये जो होती हैं रूट्स मिट्टी में से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं मिट्टी से, वाटर होते हैं, वो एब्जॉर्ब करके प्लांट्स तक पहुँचाती हैं। ओके, प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स तक पहुँचाती हैं। ठीक है, द स्टेम दी ट्रांसपोर्ट दीज न्यूट्रिएंट ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ, और अब आपको इसके आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे।